नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चाहे आप एक छात्र हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक होममेकर हैं, एक पेरेंट हैं या रिटायर्ड हैं, हम सभी नई चीजें सीखते रहते हैं। इसकी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, परीक्षा की तैयारी के लिए तैयारी करना हो सकता है, गिटार बजाना सीखना हो सकता है, नई भाषा सीखना हो सकता है या कोई नया फूड रेसिपी सीखना हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो 5 ट्रिक्स जिससे आप सबसे कम समय में तेजी और आसानी से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, योगा करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि आपकी स्मृति और एकाग्रता में भी आपको मदद मिलेगी। छात्रों को अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देने जा रही हूँ। एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सरल योग बने हैं। योग नंबर 1, वज्रासन। वज्रासन घुटनों को मोड़ने के बाद पैरों पर बैठकर किया जाने वाला आसन है। इस आसन से आपके ब्लड फ्लो में सुधार होगा और कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसको 30 सेकंड के लिए करें। नंबर 2, सुखासन। सुखासन योग सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योगासन है। यह योग के सभी आसन में सबसे सरल है। सुखासन करने के लिए क्रॉस पैर वाली स्थिति में बैठते हैं। सुखासन करने से ध्यान लगाने में मदद मिलती है। इसको 1 मिनट के लिए करें। टिप नंबर 2, ब्रेकिंग बिगर थिंग्स इंटू स्मॉलर पार्ट्स। जैसे अगर कोई बड़ा टेक्स्ट है जिसको याद करना है, उसके लिए मैंने इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट 1 में केवल पूरे टेक्स्ट को पढ़ लें और वर्ड्स या नए वर्ड्स की पहचान कर उन्हें अंडरलाइन करें और डिक्शनरी की मदद से उनका मतलब अपने शब्दों में लिख लें। सेकंड पार्ट में टेक्स्ट को अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करना है और हर पैराग्राफ को नंबर जैसे 1, 2, 3 दे देना है। पार्ट 3 में हर पैराग्राफ को अलग से प्रैक्टिस करें। पहले एक पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करें और इसे तब तक दोहराएं जब तक आप उसे सही से समझ ना जाएं। फिर ऐसा दूसरे पैराग्राफ के साथ करें, फिर तीसरे पर जाएं, फिर चौथे पर। इस प्रोसेस को दोहराएं जब तक आपको पूरा याद ना हो जाए। इस तरीके से किसी भी बड़ी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके आप इजीली याद कर सकते हैं। नंबर 3, वॉक करो जब तुम कुछ याद कर रहे हो। जैसा कि जब आप याद कर रहे हैं तो अपनी बुक्स अपने हाथ में ले और अपने अध्ययन स्थान पर घूमें, क्योंकि पैदल चलना आपको एक्टिव बनाता है, आपके दिमाग में ब्लड फ्लो को उत्तेजित करता है और इससे कुछ भी याद करने में आसानी होती है। नंबर 4, शब्दों को सॉन्ग में बदल दें। इससे याद करने में आपको मदद मिलती है। जैसे अगर आप अपने छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वीक के 7 डेज कौन से हैं या ABCD, इसे एक मधुर गीत में बदल दें। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, सॉन्ग्स हमें याद रखने में मदद करते हैं और जानकारी को बच्चों के दिमाग में उसी तरह से आसान बनाता है जिस तरह की आप अपना फेवरेट सॉन्ग लंबे समय तक याद रखते हैं। ये मेथड आपको सच में कुछ भी याद करने के लिए हेल्प कर सकता है। नंबर 5, लिखकर खुद को चेक करें। तरीका यह है कि आपने जो भी याद किया है या सीखा है उसका आंसर लिखें, बाद में अपने रियल आंसर के साथ जांच करें और चेक करें कि आपने क्या गलतियां की हैं। इस तरीके से आपकी स्मरण शक्ति में बहुत वृद्धि होगी।
तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी टिप सबसे ज्यादा मददगार है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।